दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए बीटेक डिप्लोमा आईटीआई और ट्वेल्थ पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका आया हुआ है तो ये जो सुनहरा मौका आया हुआ है दोस्तों ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर यानी कि आर जो एफिलेटेड है दोस्तों जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ यानी कि डी एस एस में जो है वैकेंसीज आ रखी हैं तो आज जो है इसके रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पे डिटेल में बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को फिलअप करना है और कौन कौन से कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल है तो बन रही है आप हमारे साथ आप देख रहे हैं दोस्तों आपका प्यारा अपना यूट्यूब चैनल जहाँ पे दोस्तों आपको फ्रेशर्स की वैकेंसीज़ के साथ साथ आपको प्राइवेट एग्जामिनेशन पैटर्न और बहुत सारी चीज़ें जो है बताई जाती है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके साथ दोस्तों हमारे चैनल में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं तो सारी वैकेंसीज़ देखने के लिए आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियर के लिए और टेक्नीशियंस के लिए भी वैकेंसी आई हुई है जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी दोस्तों 503 सौ पे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे 26 फरवरी 2021 हज़ार जो है इसकी लास्ट डेट है तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा फॉर्म को जो फिलअप करने का मोड है दोस्तों आपका ऑनलाइन है और ये जो है गवर्नमेंट जॉब है जयपुर जो है इसका जॉब लोकेशन होगा और यहाँ पे सारी चीज़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो ये फॉर्म जो है आपका 29 फरवरी से सॉरी 29 जनवरी से जो है स्टार्ट हो चुका है 26 फरवरी 2021 जो इसकी लास्ट डेट है देन दोस्तों यहाँ पे 14 मार्च जो है लास्ट डेट फॉर द प्रिंटिंग एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रखा गया है अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है तो यहाँ पे देखा जाए असिस्टेंट मैनेजर के लिए दे है नाइन्टी सिक्स वैकेंसीज़ हैं डिप्टी मैनेजर के लिए ट्वेंटी सेवन वैकेंसीज़ हैं जनरल मैनेजर के लिए चार वैकेंसीज़ प्लांट ऑपरेटर टू के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे सेवेंटी सेवन वैकेंसीज हर एक पोस्ट के लिए दोस्तों अलग अलग वैकेंसीज हैं कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है लेकिन हमारा मेन जो फोकस होगा वो फ्रेशस कैंडिडेट के, के लिए होगा तो हम उनके रिगार्डिंग बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे और जो परचेज स्टोर की सुपरवाइजर के लिए जो है फोर्टी एट वैकेंसी असिस्टेंट डेयरी कमिस्ट के लिए दस वैकेंसी देन दोस्तों यहाँ पे डेयरी टेक्नीशियंस के लिए थर्टी वन वैकेंसीज बॉयर ऑपरेटर के लिए थर्टी वन वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन के लिए ट्वेंटी थ्री वैकन्सी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के लिए एक वैकेंसी एक वैकेंसी दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर रखी गई है लाइव स्टॉक सुपरवाइजर के लिए सात वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है देन दोस्तों इसी तरह बात किया जाए रेफ्रिजरेटर ऑपरेशन के लिए ऑपरेटर के लिए बीस वैकेंसी फिटर के लिए पंद्रह वैकेंसी बिल्डर के लिए छः वैकेंसी हेल्पर और डेयरी वर्कर के लिए सत्ताईस वैकेंसी डेरी सुपरवाइजर के लिए तेरह वैकेंसी और विलेज एक्सटेंशन वर्कर एंड डेयरी सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे बीस वैकेंसीज रखी गई तो टोटल तो तो जो है यहाँ पे 503 वैकेंसीज आई हुई हैं तो हर एक के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे फ्रेशर्स के मैकेिकल कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं और यहाँ पर डिग्री वाले बी बेक वाले कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं देन दोस्तों डिप्टी मैनेजर को मैं आपको पाँच साल का एक्सपीरियंस चाहिए बाकी फ्रेशर्स के लिए और क्या क्या यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं जैसे यहाँ पे दोस्तों प्लांट ऑपरेटर के लिए जो है आई आई के कोई कोई भी, भी ट्रेड के कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल है देन दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के लिए अगर बात की जाए तो कॉमर्स के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर तीन साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है और फ्रेशर्स की देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है तो यहाँ पे दोस्तों डेयरी टेक्नीशियन के लिए जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट फ्रेशर्स वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं देन दोस्तों फ्रेशर्स के लिए और कौन सी वैकेंसीज़ हैं तो यहाँ पे आपको हर एक पोस्ट को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी पोस्ट जो है फ्रेशर्स के लिए है तो यहाँ पे जो हेल्पर और डेली वर्कर है उनके आठवीं पास के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बाकी पोस्ट जो है तो उसको यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जो है दोस्तों बारह सौ रुपये का एप्लीकेशन फी लिया जा रहा है और एस सी कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे छः सौ रुपये ओ के लिए भी छः सौ रुपये का फॉर्म यहाँ पे रखा गया है अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बारह सौ रुपये का जो है उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रखा गया है तो कैसे अप्लाई करना है लिंक आपको क्विक टेक्डी मिल जाएगा या फिर दोस्तों आप जो है इस वेबसाइट पर जाइए वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन शो करेगा और वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी इनफॉमेसन आपसे पूछी है वो सबको करके सबमिट कर देना पड़ेगा तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों यहाँ पे जो है इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट जो भी होगा आपको यहाँ पर बताया जाएगा आपके मेल पर या फिर एग्ज़ाम जो होगा उसमें अगर जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन उसमें एक घंटे में एक घंटे का जो है पेपर होगा और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है तो यहाँ पर देख सकते हैं नो निगेटिव मार्किंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन रखा गया है तो दोस्तों ये थी राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आज के लिए बस है थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग